अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नदीम खान। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा मैंने ये कोशिश की है कि मुल्तान में रहने वाले वो तमाम लोग जो अपने अंदर खुदादत सलाहियत और टैलेंट रखते हैं, उनको उजागर करना ही मेरा मकसद है। आइए आज आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे नौजवानों से जो कि एक ऐसी एक्टिविटी को अपनाए हुए हैं जो तमाम तर बुरी आदतों से पाक है, और उनकी ये खूबसूरती देख के मेरा जी चाह के मैं आज उनका स्पेशल इंटरव्यू करूँ और उनके साथ रहूँ, ताकि आप भी जान सकें कि वो क्या करते हैं ऐसा जिससे वो रिकॉर्ड कायम करना चाहिए। जी मिलवाते हैं आपको उन तमाम जोशीले और खूबसूरत नौजवानों से जो कि अपनी मोटर बाइक्स पे जाकर बहुत सारा पाकिस्तान का विजिट करते हैं, दुनिया के नज़ारे करते हैं, लेकिन इन हैवी बाइक्स पे करते हैं। तो आप भी मेरे साथ रहिएगा। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं, मुल्तान बाइकर्स क्लब के फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और वो खुद राइड भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जनाब? मोहम्मद फारूक अनवर। जी फारूक भाई, मुझे खुशी है इस बात की, बल्कि हमारे व्यूवर्स भी आपको देख रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि आपने एक हेल्दी एक्टिविटी को ज्वाइन किया है और आपकी टीम है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये शौक़ कब और कहां से पैदा हुआ? देखें, बचपन से मोटर बाइक राइडिंग का शौक़ था मुझे, और वैसे हमारे जो ना मोटर बाइक राइडिंग को गलत ही समझा जाता है कि एक्सीडेंट होते हैं, लोग रेसिंग करते हैं, लेकिन हमने ना इस कल्चर को बदला है। हमने अपने इस मोटर बाइक के शौक़ को टूरिंग की तरफ इसको कन्वर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिलकर, मैं मेरी टीम में हमारे साथी हैं, तो हम लोग मिलकर ना अपना टूर एक प्लान करते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो खूबसूरत इलाके हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं अपनी बाइक पर जाके हम उसकी खूबसूरती, उनके रिव्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, लोगों के सामने पाकिस्तान का एक मस्बत इमेज उजागर करते हैं हम। अच्छा ये बताइए कि मैंने आपसे पूछा कि एक तो आपका सबका ताल्लुक मुल्तान से और मुल्तान के नाम को उजागर करें, और एक ऐसी एक्टिविटी को अपनाए हुए हैं जिससे हमें खुशी होती है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है अच्छाई की तरफ जा रही है। आप ये बताएं कि आपके कितने टीम मेंबर्स हैं? हमारे वैसे ऑफिशियली जो टीम मेंबर्स हैं तकरीबन 50-55 हैं, ठीक है, लेकिन हम जो ग्रुप राइड करते हैं उसमें हम ऐसा करते हैं कि 5-6 बंदों का ग्रुप प्लान करते हैं, वो लोग एक इलाका एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरी टीम हमारी फिर जाती है, वो भी ऐसे 5-6 बंदों पर होती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ इलाके हम साल में 3-4 ट्रिप इस तरह करते हैं। तो ये बताएं कि अब तक आप कितना ट्रैवल और कहां कहां कर चुके हैं? देखें, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हमने नॉर्थ सारा तकरीबन डिस्कवर किया, नॉर्थ में अपना खुंजराब पास, गिलगित, स्कर्दू, ये सारा डिस्कवर किया हुआ है। और अपने अगर हम साउथ पंजाब की तरफ आ जाएँ तो कोहे सलमान की पूरी बेल्ट है, हमने अपना इसका फोर्ड मनरू हो गया, तोनसा हो गया, ये साइडें, ये जो पहाड़ी इलाके हैं ये हमने डिस्कवर किए। इसके अलावा गवादर के भी हमारे ट्रिप हो चुके हैं, गवादर को हमने बहुत करीब से देखा और उसको एक्सप्लोर किया। तो आप कोई इरादा रखते हैं कि इसी तरह से अपनी इस खूबसूरत एक्टिविटी को बढ़ाते हुए कोई वर्ल्ड टूर का करने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, मुल्क से बाहर जाने का प्लान है, लेकिन इससे पहले मैं 2017 में अपना मलेशिया से थाईलैंड, लाओ, वियतनाम और चाइना का मोटर बाइक पर ट्रिप कर चुका हूँ। मैंने अपने सफर का आगाज़ मलेशिया से किया था और इख्तिताम मैंने चाइना में किया था। इंटरनेशनल ट्रिप मेरे काफ़ी सारे हैं, उसमें मेरा एक ट्रिप ये मोटर बाइक पर था। अच्छा, आम आदमी की अप्रोच से ये हैवी बाइक्स जो है वो मतलब इसको नहीं ख़रीद सकते, तो आपके कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके पास बाइक नहीं, तो उनके लिए क्या फ़ीचर्स हैं या क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, हमारे ग्रुप में ऐसा कुछ वो पाबंदी नहीं है कि हैवी बाइक है तो तब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में 150 सीसी, 125 सीसी कैटेगरी के तमाम बाइक हैं, और हर बाइकर अपनी बाइक को अपने नज़्म ज़ब्त के साथ चलाता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि बड़ा बाइक है तो तब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप पैशन रखते हैं, आप टूर करना चाहते हैं, शौक़ है आपके अंदर, आप आएँ हमें ज्वाइन करें, आप कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, क्या आपके राइडर भी हैं वो वन व्हीलिंग की तरफ जाते हैं? नहीं नहीं, देखिए हमारे जो ग्रुप का मकसद है रेसिंग और ये मोटर बाइक स्टंट को प्रमोट करना नहीं है। बेसिकली हमारा जो ग्रुप का मकसद है कि हम पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों को अपने मोटर बाइक के ज़रिए एक्सप्लोर करें और पाकिस्तान का मस्बत चेहरा सामने लाएं, और ये सेफ़ भी है और अच्छा मैसेज आता है इसे। यानी आप मज़े मज़े की सैरें भी करते हैं और बहुत सारे खूबसूरत शहरों को भी देखते हैं, अल्लाह ताला की बनाए हुए नज़ारों को भी देखते हैं, और अपने कारवां को जारी और सारी किए हुए हैं। आइए आपके दूसरे दोस्तों से भी मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे जी, आपका नाम? जावेद हैदर मेरा नाम है जी। नदीम खान ऑफिशियल पे आपको इस वक्त दुनिया देख रही है, और आपके ये खूबसूरत जो ट्रिप हैं, आपके दूसरे साथी भी अभी आने वाले हैं, तो आप हमें बताएंगे कि आपको ये शौक़ कब और कहाँ से पैदा हुआ? जी, मोटर बाइक टूरिंग का शौक़ मुझे तकरीबन कॉलेज दौर से था, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे मोटर बाइक नहीं पाकिस्तान में अवेलेबल थे,
फिर भी हम उसमें कोशिश करते थे कहीं ना कहीं बाइक पे सैर व सियाहत के लिए निकलें। बाइक टूरिज़्म असल में इकॉनमी जो है ना वो टूरिज़्म है, तो अगर आप बाइक सही मैनर्स के साथ और बाइक को सही उसके गैजेट के साथ चलाएं तो बाइक टूरिज़्म में हादसात के खदशात बहुत कम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन कश्मीर सारा एक्सप्लोर किया हुआ है बाइक पे। अभी लास्ट मैं जून में खंजराब पास तक गिलगित बल्तिस्तान सारा 10 दिन का टूर करके आया, वो मेरा तकरीबन 3000 किलोमीटर था। तो 10 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत इंजॉय किया, उसमें गिलगित बल्तिस्तान, नलतर वैली, हंजा, खंजराब पास, पसु और जो है ना हुपर, ये सारा इलाका मैंने एक्सप्लोर किया है। तो मुल्तान बाइकर क्लब मुल्तान में वाहिद एक ऐसा क्लब है जिसमें आपको तमाम एक अच्छे राइडर, अच्छे गियर्स के साथ और बाइक सेफ्टी के साथ। कभी भी हम किसी ऐसे चीज़ को प्रमोट नहीं करते कि जिसमें बाइक के हवाले से जैसे स्टंट बाइकिंग हो या वन व्हीलिंग हो, तो हम उसको इनक्रेज करते हैं। हमारे बाकायदा जो है ना ऑफिशियल्स जो है ना मीटिंग्स में इस चीज़ पे लेक्चर्स दिए जाते हैं, और कोई भी हमारा मेंबर इस चीज़ में कभी इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है, रेसिंग में भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। हैवी बाइक्स हैं दोस्तों के पास, लेकिन कभी ऐसा कोई इशू नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बाइक चलाते हैं दोस्त। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें जो है ना यहाँ बुलाया और हमारा इंटरव्यू किया, थैंक यू जी। नौजवान क़यादत को लेकर जैसे इनके लीडर चल रहे हैं, उसी तरह से नौजवान लड़के भी शामिल हैं, 50 से 55 का ग्रुप इनके साथ मौजूद है। आइए इनके अगले एक मेंबर से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस तरफ कैसे आए और उनका नाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? सर मेरा नाम वकास दुरानी है, मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं यानी कि जो है ना हैवी बाइकर था, बड़ी बाइक्स रखने का शौक था, लेकिन ये फरूख भाई ने जो मुझे टूरिंग की तरफ लेकर आए हैं। यानी आप कोई स्टंट वगैरह करते थे या व्हीलिंग करते वगैरह? नहीं, यानी कि जो है ना बाइक्स बड़ी रखने का शौक था शुरू से। तरीका तो यानी कि हमारा वही था, मकसद बेसिकली हम दोनों का जो है ना सेम था कि बाइकिंग को प्रमोट करना है। ये नहीं बताना कि हमारे पास अगर बाइक है इस तरह की तो हम कोई नेगेटिव इस पर काम कर रहे हैं लोगों पर, यानी कि बैड इमेज दे रहे हैं। अभी हमारी रिसेंटली राइड हुई है, 14 अगस्त को हम लोग निकले, हमने रैली निकाली थी, पूरा मुल्तान देखने वाला था। और हमारी उसमें जो पहली मीटिंग हुई थी, दो दिन पहले हमने मीटिंग की थी, उसमें सेम यही डिस्कशन हमने ये की थी कि भाई जो भी हमारे साथ अब यानी कि आ रहे हैं मेंबर्स आ रहे हैं, किसी ने यानी कि सारे प्रॉपर गियर में होंगे, सारे अपने यानी कि कोई भी यानी कि जो है ना स्टंट वगैरह नहीं करेगा, यानी कि कोई भी रेस नहीं लगाएगा या कोई इस तरह से नहीं करेगा। और वाकई इस तरह से था, वो न्यूज़ पर आया और काफ़ी लोगों ने बढ़ा इसके यानी कि इसको पॉजिटिव इमेज लिया कि भाई हम मुल्तान का इस तरह का ग्रुप है जो एक पॉजिटिव इमेज दे रहा है। अब हम देखें, हम अपनी बाइकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने ग्रुप को प्रमोट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में जो जितने ज़्यादा ट्रैवल करते हैं हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। हम बेसिकली काफ़ी सारे यानी कि जो है ना हमारा मकसद है उनको मिला के हमने यानी कि जो है ग्रुप बनाया हुआ है, और सेम यानी कि जो है ना सेम जैसे क्या कहते हैं ना वो उस पर लेवल पर जैसे चल रहे हैं हम, उस तरह से हमारी सोच है। और अल्लाह ताला ने इसलिए हमें यानी कि जो है ना साथ इकट्ठा किया है और हम मिला के जो है ना इस ग्रुप को लेके चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके ज़िम्मे कोई टारगेट भी है कि आपने अचीव करना है कि जनाब हमने ये टारगेट करना है जो दूसरे नहीं कर सके? कुछ ऐसा यानी कि वो ख़ास नहीं है बेसिकली, तो मेन चीज़ तो यही है, जैसे बाइकिंग को बहुत यानी कि नेगेटिव समझा जाता है। आप जैसे अगर कहीं पे भी जैसे हम बाज़ दफ़ा बड़ी दफ़ा यानी कि इकट्ठे होते हैं ना, कहीं पे गैदरिंग हो रही हो तो पुलिस वाला आके हमारे पास आके ये सारे क्वेश्चन करेगा, वो तो सर रेसा लाने जा रहे हो, तो हम बड़े हैरान हो गए। मैं कहता यार ये तो मोटरसाइकिल रेसा लगाने लगी थी। नहीं, आपकी बाइक्स और आपकी जो इस वक्त आपने यूनिफॉर्म लिया हुआ है, हेलमेट लिया हुआ है, तमाम मतलब इसके रूल्स को आपने फॉलो किया हुआ है जी, तो आपको कहीं भी दौरान सफ़र या राइड करते हुए परेशानी का सामना कभी ऐसा नहीं आया? क्योंकि हम ये चीज़ें जो होती हैं बेसिकली इसलिए होती हैं ताकि कोई खुदा ना खास्ता कोई परेशानी ना हो हमें, और ये उस चीज़ बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो हमें यानी कि अपने ज़मान में रखे। ये तो बस सिर्फ यानी कि जो है ना हमारी तरफ से कोशिश होती है कि जितना हम हमारे हाथ में हम तो वो पूरा करें ना, बाकी अल्लाह अपने ज़मान में सबको रखे। पूरे ग्रुप पर हमारी यही दुआ होती है, हमारे ग्रुप में काफ़ी मेम्बर्स हैं जाते हैं नॉर्थ जाते हैं, अभी ये रिसेंटली एक ग्रुप ये करके आए हैं, एक दूसरा एक और ग्रुप था वो भी अभी करके आया नॉर्थ से होके आया, अभी तीसरा ग्रुप जो है वो 26 को जो है ना वो जा रहा है उस पर जी। देखा आपने कि इस वक्त हमारे जो नौजवान हैं वो एक ऐसे काम को लेके आगे की तरफ चल रहे हैं जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ को जारी रखते हुए अपनी नौजवान नस्ल को आगे की तरफ रागिब करके चल रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, ना कि हमारी नौजवान नस्ल किसी भी ऐसे नशे का शिकार हो जिससे वो अपनी जान से भी जाती रहे और हमारे मुल्क कौम का नाम भी रोशन ना कर पाए। जी फरूख भाई, तो मुझे बहुत खुशी हुई आपके मेंबर से बातें करके, उनके हौसले देख के और उनके अंदर जो जज्बा है उसको देखते हुए। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आप अपने नौजवान नस्ल को या हमारे व्यूवर्स के ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहेंगे?
देखिए, मैं आपके चैनल नदीम खान ऑफिशियल के तवसत से अपनी मुल्तान की नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी अगर मोटर बाइक राइडिंग का शौक़ रखते हैं तो आप हमें हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर, अपना ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हम मौजूद हैं, हमारा सोशल नेटवर्क वहाँ पर है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ इस पॉजिटिव एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। बजाय इसके कि आप मोटर बाइक लें, उस पर रेसिंग करें, अपने आप को ख़तरे में डालें, अपनी ज़िंदगियां, अपने माँ बाप को परेशान करें, तो हमारे साथ आएँ कि अच्छा हम जो मैसेज लेकर चल रहे हैं, अच्छी एक्टिविटी को लेकर चल रहे हैं, तो इसको ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदीम खान ऑफिशियल का, नदीम भाई का, कि आपने हमें इसका मौका दिया कि हम अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकें। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त फ़ारुख अनवर साहब और उनके साथ उनकी टीम हमारे साथ मौजूद थी। आपसे मैंने हमेशा ये वादा किया है कि आपके साथ उन लोगों को शेयर करूंगा जो लोग इस काबिल हैं, अपने अंदर फनकाराना और अपने अंदर ऐसी सलाहियतें रखते हैं जो खुदादत सलाहियतें हैं, उन्हें बुरुकार लाते हुए वो मुल्तान और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और इसी तरह के सितारे ही उभर कर सामने आते हैं और दुनिया में एक मिसाल बन जाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को अगर हेल्दी एक्टिविटीज़ में डालेंगे ना तो वो किसी नशे का शिकार होंगे और ना ही किसी ऐसी चीज़ का शिकार होंगे जिससे आपका सर निगुं हो सके। इंशाल्लाह अगले किसी सेलिब्रिटी, अगले इसी तरह के किसी नौजवानों के साथ दोबारा आपकी मुलाकात कराऊँगा। तब तक के लिए आप मेरा चैनल नदीम खान ऑफिशियल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलें और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर फीडबैक दें कि ये हमने अच्छा किया या बुरा। अल्लाह हाफिज़।